सबसे पहले तो आपको मेरा नमस्ते। आज मेरी जो रसोई में जो बनने जा रहा है बहुत ही यूनिक और अमेजिंग डिश बनने वाली है। तो अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में जो छोटी सी घंटी है उसको भी प्रेस कर देना, वो भी फ्री में। तो जैसे कि आप देख रहे हो, एक यूनिक रेसिपी, यूनिक डिश आपके सामने है। तो इसका नाम अड़सा है। ये उत्तराखंड में बहुत बनाई जाती है और बहुत ही फेमस डिश है उत्तराखंड की। और जगह भी बनाई जाती होगी पर मैं उत्तराखंड से हूँ तो मैं उत्तराखंड का नाम लूँगी कि उत्तराखंड में बहुत बनाई जाती है। तो ये गांव में तो ओखली में कूट के बनाई जाती है, तो शहरों में रहते हैं तो कैसी बनाएं, तो चलिए आज मैं आपको यही बताऊँगी। तो वीडियो को आखिर तक देखना, तभी मैं आपको पूरी तरह से समझा पाऊँगी कि जो लोग शहरों में रहते हैं वो कैसे इसको बनाएं। तो सबसे पहले आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पे ये छोटी कटोरी, इससे एक और आधा कटोरी चावल ले लिए हैं। कटोरी ज़्यादा बड़ी नहीं है, एक और आधा कटोरी। तो अब मैं इनको अच्छे से धो के भिगोने के लिए रख दूँगी। तो ये देखो, मैंने ये चावल ओवरनाइट भिगोने के लिए छोड़ दिए थे। तो जैसे कि मैंने कल रात को भिगोने के लिए छोड़ दिए थे, आज सुबह मैं इनको निकाल रही हूँ और ये भीगने के बाद अच्छे से फूल गए हैं। तो अब मैं इसका पानी सारा निकाल दूँगी, चावलों के अंदर जो भी पानी है, जितना भी पानी है उसको सारा निकाल लेना है। ध्यान रहे चावल ना गिरे, और इसका पानी मैं सारा निकाल दूँगी। तो जैसे इसका पानी सारा निकल जाता है तो फिर आगे की तैयारी करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको कैसी लगी। और वीडियो को आखिर तक देखना, मैं समझा पाऊँगी आपको कि मैंने कैसी बनाई। तो देखिए, मैंने इसमें से सारा पानी निकाल दिया, लगभग एक कटोरी पानी इसमें से निकल गई है। तो अभी मैंने ले लिया एक मिक्सी जार। तो अब इसमें मैं जो मैंने चावल निकाले पानी से अलग करके, वो चावल मैं इसमें डाल दूँगी, और चावलों को मैं दो बार डालूँगी, दो बार अलग अलग करके पीसूँगी, ज़्यादा टाइट ना हो जाए तो दो बार करके मैं पीसूँगी। तो चावलों को हमने ज़्यादा सुखाना नहीं है, बस उनका पानी सारा निकाल देना है और फिर उसको मिक्सी में पीस लेंगे। तो इनको बहुत बारीक नहीं पीसना है, जैसे आटा होता है ऐसे नहीं पीसना है। इनको हल्का सा दरदरा रहना चाहिए, जैसे आप इसको पीसने के बाद ऐसे हाथ से चेक कर सकते हो, जैसे दो उंगलियों को पकड़ के ऐसे हल्का सा ऐसे इनको पकड़ के आप महसूस कर सकते हो कि बिल्कुल दरदरा भी नहीं है और बिल्कुल बारीक भी नहीं है, तो हल्का सा दरदरा है। तो थोड़ा दरदरा इसको होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बढ़ते आगे। ऐसे ही हमने दूसरी बार जो है वो भी पीस लेना है। तो इसको हम प्लेट में डाल देंगे और जो हमारा बाकी बचे चावल है उसको भी हम ऐसे ही पीस लेंगे। तो शहरों में रहते हैं ज़्यादातर लोग, तो जो लोग शहरों में रहते हैं वो इसको मिक्सी में पीस के आराम से इस रेसिपी को बना सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अब हमने ये सारे पीस लिए, अब हमने ले लेनी है आटे वाली छलनी, जिसमें हम आटा छानते हैं, वो छलनी ले लेनी है। और उसके ऊपर हमने ये जो आटा मिक्सी में पीसा है, चावल का आटा, इसको हमने छान लेना है। और छानने से क्या होगा, इसके ऊपर जो छोटे मोटे लंग्स वगैरह रह गए या कई चावल के दाने ऐसे हैं जो बीच में पीसे नहीं होंगे, वो छलनी के ऊपर आ जाएंगे। और देखो, छानने के बाद बिल्कुल सा बारीक हो गया है। तो अब हमने क्या करना है, एक मैंने बड़ा सा पतीला लिया है, उसमें मैंने एक गिलास पानी डाल दिया है। अब पानी क्यों डाला है ये सवाल है, तो क्योंकि ये बनेगी अब चाशनी, और ये जो आज की रेसिपी है ना, ये चाशनी में बनेगी। तो ये हमने ले लिया, आधा किलो से थोड़ा कम गुड़ है ये, तो ये हमने ले लिया। तो अब हमने जो गैस के ऊपर पानी डाला है ना, एक गिलास गर्म करने के लिए, तो उस पानी में हमने ये गुड़ डाल देना है, सारा गुड़ डाल देना है। जैसे मैंने 1.5 कटोरी चावल लिया है तो उसके लिए मैंने कम से कम 400 ग्राम के करीब गुड़ होगा ये, तो वो मैंने उसके अंदर डाल दिया है। अब हमने इसको पकाना है, पकाना है, इसकी चाशनी बनानी है। तो चाशनी तो आप सब लोग समझते हैं कि चाशनी क्या होती है। तो चाशनी कैसे पता लगे कि हमारी चाशनी तैयार हो गई, तो चलिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आगे वीडियो को स्किप मत करना और ध्यान से देखो कि चाशनी कैसे तैयार होती है। तो अभी इसको पकने देंगे, उबाल आने देंगे। तो ये देखो, हमारा गुड़ जो है अच्छे से पक गया है। अब हम बताते हैं कि चाशनी कैसे तैयार होती है। अब हम इसको उठाएंगे ऐसे, और ऊपर से
चाशनी की ऐसी धार घेरेंगे, और देखो जैसे आपको दिख रहा हो ना, बारीक सा एक धागा सा बन रहा है, बीच में से टूट नहीं रहा, एक लंबी तार सी बन रही है। तो जब ऐसी तार बननी शुरू हो जाए ना, तो समझ लो चाशनी हमारी तैयार है। तो अब देखो हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार है। अब हमने जो आटा बारीक बारीक पीसा है ना मिक्सी में और छलनी से छान लिया, इसको थोड़ा थोड़ा करके ये गरम गरम चाशनी में डाल देंगे। चाशनी को हमने ठंडा नहीं करना है, चाशनी को गरम गरम रखना है, और उसमें हमने थोड़ा थोड़ा ये चावल का आटा डालना है, साथ में फटाफट फटाफट तेज़ी से घुमाना नहीं है, घुमाना भी है, छोड़ना नहीं है, नहीं तो इसमें अंदर गोले बन जाएंगे और फिर वो हमारा सारा बैटर जो है ख़राब हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके डालते रहो और इसको तेज़ स्पीड में घुमाते रहो, चलाते रहो चलाते रहो, रुकना नहीं है बीच में। तो ऐसे चलाते रहेंगे चलाते रहेंगे, तो हमारा सारा जो बैटर है ये तैयार हो जाएगा। तो ये देखो इसकी थिकनेस देखो, बस हमें इतना ही चाहिए गाढ़ा, बहुत गाढ़ा नहीं चाहिए, टाइट भी नहीं चाहिए और बहुत पतला भी नहीं चाहिए। तो ये अभी थोड़ा सा गर्म है तो इतना गाढ़ा है, अभी इसको थोड़ी देर हम सेट करने के लिए रख देंगे तो बिल्कुल इसकी थिकनेस है उतनी हो जाएगी जितनी हमें चाहिए। तो अभी इसको थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रखने के बाद ये देखो बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको बनाने की तैयारी करेंगे। अपने हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लो ताकि ये चिपके ना। उसके बाद ऐसी ऐसी लोइयाँ लेके, छोटी छोटी लोइयाँ लेके, छोटी बड़ी जितनी भी आपको पसंद है अपने हिसाब से ले सकते हो। तो मैं इतनी इतनी गोल गोल लोइयाँ बना रही हूँ, और इनको तेल गरम करके, और पहले तेल को बहुत फुल आँच में गरम करके, उसको जैसे ही इनको डालेंगे गैस की आँच को मीडियम कर देंगे, बहुत तेज़ आँच नहीं करनी है। तो ऐसे हमने एक एक करके लोइयाँ बना के इसके अंदर डालती जानी है, बनाती जानी है और डालती जानी है। तो ये छोटी सी घंटी आपके सब्सक्राइब बटन के बगल में ना, वो ज़रूर प्रेस कर देना ताकि मैं आगे जो भी वीडियो लाऊं जल्दी से आप तक पहुंचे। तो इनको ऐसे ही अल्टी पल्टी करते हुए देखो, इनको गोल्डन कलर तक भूनना है, जिसे डार्क गोल्डन कलर हो जाए तो तब तक हमने इनको भूनना है। जब तक ये सफ़ेद दिखते हैं तब तक इनको भूनते रहो, सफ़ेद नहीं रहने चाहिए ये, डार्क ब्राउन कलर हो जाए, एकदम गोल्डन कलर हो जाए, डार्क गोल्डन कलर, तब तक हमने इनको पकाना है। और आँच ध्यान रहे कि तेज़ ना हो, तेज़ आँच में क्या होगा ना, बाहर से तो ये जल्दी पक जाएंगे, आपको लगेगा पक गए, लेकिन अंदर से ना ये कच्चे रह जाएंगे। तो आँच बिल्कुल लो फ्लेम, ये लो भी नहीं होनी चाहिए, मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है ताकि ये अंदर तक इसकी जो हीट है वो जाए और अंदर तक पके, ये कच्चे ना रहें। तो देखो कलर तो जैसे कि आप देख रहे हो कितना प्यारा सा कलर आ गया है। बस हमने ऐसे ही गोल्डन कलर में बनाना है इनको, ऐसे ही हमने जितने भी हमारे हमारे पास बैटर है उसमें से अपने हिसाब से लोइयाँ बनाते रहेंगे। गोल में बनाओ चाहे लंबे आकार में बनाओ, जो आपको डिज़ाइन पसंद है आप उस डिज़ाइन में बना सकते हो। तो मैं आपको दूसरे डिज़ाइन में भी बना के दिखाऊंगी। अभी ये तो मैं गोल डिज़ाइन में बना रही हूँ, इसके बाद मैं थोड़ा सा लंबी डिज़ाइन में भी आपको दिखाऊँगी, मैंने वो भी बनाने की कोशिश करूँगी। तो आप जिस मर्ज़ी डिज़ाइन में बना सकते हो। तो ये देखो हमने प्लेट पर निकाल दिए हैं, बहुत ही सुंदर, मेरा तो मन खुश हो गया इनका कलर देख के, सच में बहुत ही प्यारा कलर आ गया। और ये देखो मैंने दूसरे डिज़ाइन में बनाए हैं, ये गोल डिज़ाइन में है और अभी दूसरा डिज़ाइन भी आपने देखा है लंबी डिज़ाइन में बनाए हैं। तो बस ऐसे ही हमने एक एक करके सारे डालते जाने हैं इसके अंदर, और जैसे इनका गोल्डन कलर हो जाए वैसे इनको निकाल लेना है। तो आप भी ये ज़रूर कोशिश करना घर में बनाने की, और अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी। तो देखो मैंने तो बना लिए हैं, बहुत ही सुंदर बने और खाने में भी उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप भी ऐसी ज़रूर कोशिश करना, एक बार इसको बनाने की ज़रूर कोशिश करना घर पे, कोई टेंशन नहीं है, बहुत ईजी है बनाना, जैसे मैंने बनाया वैसे आप भी बना सकते हो। तो देखो बहुत ही सुंदर बना है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, आपके लिए ऐसी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आगे भी लाती रहूँगी, और देखते रहिए। देखो बहुत ही सुंदर बने हैं, बहुत ही सुंदर, सच में मन खुश हो गया इसका कलर देख के, तो वाकई मेरा मन खुश हो गया। ये देखो दो डिज़ाइन में बनाया है मैंने, ये देखो कितने सुंदर कलर है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आपको मेरा नमस्ते।